एक वो रे रील्स वाले, जूम करके दिखाता हूँ, ये रे रील्स वाले, ये रे रील्स वाले, मतलब इतने सारे रील्स वाले कैसे आ गए आज? और ये हमारा सनमून। ओहो, ये रही अपनी गाड़ी, दिख रही है ना एकदम रानी। तो हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, मैं आपका रजीश चौधरी हाजिर एक नए ब्लॉग के साथ। तो कैसे हैं आप? तो अभी अपन चल रहे हैं डॉक्टर के, कोई ज़रूरी काम है इसको, चल। अपनी गाड़ी ठीक हो गई चुकी है, मैं सोचा गाड़ी लेके चलेंगे, लेकिन फ़ोन आ गया तो ये बोला कि भाई पहले डॉक्टर के चलना है। चल ठीक है, तेरे साथ ही मेरा काम भी कर गया। तो अभी अपन चल रहे हैं डॉक्टर के। क्या बीमारी होगी तेरे? तो बीमारी नहीं है, तो रात को सोने के बाद नींद नहीं आता है। और ऐसी कैसी बीमारी है? थोड़ा अजीब है, सुनने में अजीब लगेगा लेकिन है। तो गाइस, जो सोने के बाद नींद नहीं आती, तो इसका कुछ इलाज है तो बताओ आप। और कुछ गाइस, मैं सही में बिहारी नहीं हूँ, आई एम वेल एजुकेटेड। ये तो सिर्फ मेरे ब्लॉग को इंजॉय करने के लिए था, मतलब आप लोग ऐसा कुछ नेवर मैं। Winter's here, the snow is falling on our car as we drive for miles to that little town called home. Tinsel hangs from every corner of the house, and Christmas lights shine bright through the cold evening fog. And I hear sleeping. डॉक्टर के भी नहीं जाना ना, तो फिर भी हम जबरदस्ती जाएंगे। और बात क्या है, क्योंकि हमें ब्लॉग बनाना है यार, हमको जाएंगे ही जाएंगे। कमेंट करके बताओ यार, क्या देखना है ये भी बताओ कमेंट करके। तो गाइस, सुबह उठते ही एक बुरी खबर, मेडिकल बंद। डॉक्टर है ना, मेडिकल बुरी है, क्लिनिक है क्या? तो अब फ़ोन मिलाया जा रहा है डॉक्टर जी को। कैसे किसे डॉक्टर है, मेडिकल ही बंद कर देते हैं, डॉक्टर ही बंद कर देते हैं, साले ऐसे किस पढ़ाई किस काम की। अरे भाई, तुम तो एक काम करो। हेलो, फ़ोन उठा गया भैया, ये कैलाश मेहरानिया डॉक्टर जी, कब तक खुलता है भैया? कहाँ मिलेंगे ये डॉक्टर जी, बताइए हमें। कल शाम को 6 बजे। खतरा भाई, देखते हैं। सुबह उठते एक बुरी खबर मिली कि क्लिनिक बंद, तो डॉक्टर से अब कल शाम 6 बजे मिलेंगे हम। क्या बात है, राइमिंग बैठ गई। 5 पानी वाली पता सी खाने, प्लान छः, प्लान बी, 10 की 5 वाली जो आती है ना, अलग अलग पानी की, लसन वसन रेगुलर फेगुलर, तो वो वाली पता सी कहाँ मिलेगी, देखते हैं। तो वो पता सी खाते फिर बात करते। तो प्लान बी भी कैंसिल, आज किस्मत ही ख़राब दिखे। तो प्लान सी, मतलब प्लान नंबर 3, कि हम आ गए हम पेटीज खाने। यार सुबह पहले भूख लग जाती है ना, तो कुछ भी खिला दो, बस खाना तो है ही। लेकिन और सामने देखो कितने रील्स वाले, क्या बोलूँ यार, छोड़ो इनको यार, देखो देखो वो कैसे रील्स बना रहे हैं यार। पीछे चल, पीछे चल, पीछे चल। गाइस, ये सनमून है, सारे रील्स वाले यहीं आते हैं। आगे क्या पेटीज ला, पेटीज खाएंगे अपन का। तो गाइस, हम पेटीज खाते हैं फिर बात करते हैं। 15 मिनट्स लेटर। गाइस यार, मुझे बताओ मैं कहाँ आ गया, मतलब यार मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ आ गया। हमारे जयपुर में इतने सारे क्रिएटर भी है क्या, मुझे आज पता चला है। आज आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, जितने भी मतलब अब क्या ही बोलूँ यार रील्स वालों को, क्या ही बोलूँ यार, क्या मन ही नहीं कर रहा बोलने। क्योंकि मैंने एक पहली वीडियो बनाई थी रील्स वाले पे, तो उस पर भी कुछ हो गया था, तो क्या बोलूँ। लेकिन एक चीज़ दिखाता हूँ कि आज मैं पहली बार देख रहा हूँ यहाँ पे, मतलब कि मैं रोज़ आता हूँ यहाँ पे, लेकिन आज संडे रह गया शायद, इसलिए इतने मतलब दिखाता हूँ एक चीज़ आपको। देखो एक वो रे रील्स वाले, जूम करके दिखाता हूँ, ये रे रील्स वाले, ये रे रील्स वाले,
मतलब इतने सारे रील्स वाले कैसे आ गए आज? और यार हमारा सनमून यार, एक बात बताओ, इतनी भीड़ कैसे लग गई आज यहाँ पे? अब मुझे तो लगता है यार थोड़ी देर में सीपी बनने वाला है दिल्ली वाला, और यहाँ पे टिकट कटेगी 5-5 रुपये एंट्री। तो आओ वो कटवाओ टिकट। 5 minutes later ले लो हो गया काम इनका, काम हो गया, काम 25 हो गया इनका। ये मानोगे नहीं, रेस लगा रहे थे रील्स वाले वीडियो के अंदर, या एक बाइक वाला ऐसे ही गिरा। क्या कर सकते हैं इनका यार, ये ऐसी वीडियो बना के एक दिन मर जाएंगे, और अपन देख के खुश हो जाएंगे। इनकी हरकत है, वीडियो नहीं हरकत है। तो हमने पेटी खा ली है, हम निकल रहे हैं कहीं और के लिए। देख लो ये ऐसी लोकेशन है, किसी को रील्स बनानी हो तो आओ यहाँ पे बनाओ। तो चला गाड़ी चला। मुझे हंसी आ रही है यार इनको देख के। हो छपरी ऐसे मत बोले, इनके पागल मेहनत ही है बंदे। तो अब चलते हैं घर पे, चलते हैं छोटू। देखी ना अपने लोकेशन, ऐसी लोकेशन पे आओ, रील्स बनाओ, मेहनत करो, आगे बढ़ो। कुछ भी नहीं धरा ये घर पे पढ़ने से, पढ़ाई लिखाई करने से नहीं यहाँ धरा। तो है किसी को सरकारी नौकरी करनी है तो पढ़ाई करो भाई, फालतू चीज में कुछ नहीं धरा इन सब चीजों में, ठीक है ना गाइस। मेरा कहना तो यही है कि आज से 10 साल बाद में आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि तेरी रील्स पे कितने लाइक है, सब यही पूछेंगे तेरे बैंक बैलेंस कितना है तेरा। बिल्कुल ये भाई ने बिल्कुल सही बात बोली है। आज से 10 साल तो छोड़, 2 से 3 साल बाद ही कोई ये नहीं पूछेंगे कि तेरे रील्स पे कितने लाइक है, ये पूछेंगे कि तेरा बैंक बैलेंस कितना है। लड़की पूछ लेगी घर वालों तो छोड़ो यार, गर्लफ्रेंड ही पूछ लेगी एक बार तो। नहीं यार गर्लफ्रेंड तो नहीं पूछे सारे, गर्लफ्रेंड को चाहिए क्या, फेमस होना चाहिए बंदा। गर्लफ्रेंड को लाइक छपरी निब्बा चाहिए यार। हाँ ये बात तो सही है, बालों में पान थूका हुआ, पान और पेंट फटी हुई एडियो से ऊपर, उनको जेंटलमैन लीजिए, उनको एक छपरी बाइक छपरी। अरे छोड़ना यार, क्या है इनकी तारीफ कर रहा है तुझे यार। मेरा कहना तो ये है बी ए जेंटलमैन, आजकल सब वही मानते हैं। बिल्कुल सही है, यदि रील्स बना दो तो कंटिन्यू बनाओ, ये नहीं तो एक महीने बना के छोड़ रहे हो। कोई बात नहीं, प्लेटफॉर्म अलग अलग है तो क्या हुआ, मेहनत तो हर जगह लगती है। तो पता नहीं मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही, अपन चलते हैं हम घर के लिए, फिर बात करते हैं। बाकी वो मैसेज कैसा लगा बताना जरूर। I want it was you. कितने अच्छे वाले घर जा रहे थे, लेकिन गाड़ी में तेल खत्म हो गया, बताना मत किसी को। All I want it was you. चल ठीक है, बाय। ठीक है है ना, मिलते हैं। गाइस मैं घर पे आ चुका हूँ मेरी रानी को निकालने, क्योंकि मैं जा रहा हूँ मौसी को लेने। आय हाय मेरी रानी। मुझे लग रहा है हवा डलवाना पड़ेगा गाड़ी में, पहले हवा नहीं है बिल्कुल भी लग रहा है, आगे वाले में भी नहीं लग रहा। तो गाइस अपन चलते हैं मौसी को लेने, गाड़ी बाहर निकालो फिर बात करो। प्लान तो कुछ ऐसा था कि मौसी को लेने जाना था, लेकिन प्लान चेंज हो चुका है यार, पूरे दिन तो प्लान ही को चेंज हो रहे, पता ही नहीं चलता मेरे को तो यार आज। और कुछ ऐसा है प्लान नहीं बोलना भाई। तो बात कुछ ऐसी है कि यार 6 बजने वाले हैं, तो मैं सोचा पहले वीडियो डाल देते हैं अपन। तो मैं पवन के घर जा रहा हूँ वीडियो डाल लें, क्योंकि वीडियो मेरी वही डालता है यार, मुझे डालने में जोर आता है वीडियो। तो वो उसके घर चलते हैं, फिर वीडियो डालते हैं, फिर जाऊँगा मौसी को लेने। 5-20 मिनट तो वहाँ भी लग जाएगी मेरे को। चलो अभी वीडियो डालते हैं, फिर बात करेंगे आपसे। यहाँ पे आंटियाँ खड़ी थी, आंटियाँ अरे देख रही थी घूर घूर क्या हो रहा है भाई, छोरे क्या कर रहा है तू। चलो फिर वीडियो डालते हैं, फिर बात करते हैं। पवन का घर भी आ गया। है मेरी रानी, कितनी मस्त लग रही है तू। एक गेट खुला। तो आ चुके हैं पवन के घर पे वीडियो डालने, और पवन पक्का पतंग उड़ा रहा होगा, नालायक बच्चा। बहुत दूर दिख रहा है तू। अरे यार सुबह से फोन चार्ज ही नहीं किया। अरे नहीं वो बात भी नहीं है, बात कुछ ऐसी है कि अरे रात को मैं सो बिना वीडियो एडिट करी 12 बजे, फिर आज सुबह याद आया व्लॉग एडिट नहीं किया, फिर 12-11 बजे उठा, 3:30 बजे तक एडिट किया था। ले आना नीचे पतंग उड़ाऊंगा, चला लटंग डालना यार अमित, मैं भी उड़ाऊंगा यार, एक ही उड़ा के चल जाऊंगा। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, और तो चिल्लाऊंगा।
ये भाई मुझे मंजा पकड़ा रहा है आने के लिए। खेच 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 ऊपर खेच खेच खेच। क्या क्या करवा लिया इसमें? सब करवा लिया तेरे भाई ने। चलो ये बत्ती चालू हो गई क्या? सब चालू है बिल्कुल सब। ये टंकी भी नहीं डली है ये वाली। हाँ और ये वाइजर तो हल्का सा टूट रखा था यहाँ से, तो ये भी नया लगा दिया। क्या है ना कि स्टैंड उठा देके नया डला के। हाँ स्टैंड भी नया डला है। स्टैंड डाल रहे क्या वो? मुझे नहीं लगा यार, पैसे खा गए इसके साले, पैसे खा गए। ये लीवर भी नया डला है और बस ये चीज है जो बोल रहा था। इसका ये कटवाया आपने? ये मैंने कटवाया है। वापस तो नहीं निकलवा ली? प्लेट नंबर भी लगवा ली हो? प्लेट नंबर? अरे नहीं नहीं तो इतना पैसा नहीं है। गाड़ी वही है हमारी। देखो देखो गाइस, फ्री का पैसा फ्री का होता है। नहीं यार उसकी तो मेहनत का ही था। तो यहाँ से चलते हैं। आपने देख लिया क्या क्या नया लगवाया है? ये टंकी नहीं लगवाई है, वाइजर हल्का सा टूटा था नीचे से वो भी नया लगवा दिया क्योंकि नई चीज़ तो नहीं होती है। ये क्लिप भी नहीं लगवाई है, ये लीवर नया लगवाया है, स्टैंड नया लगवाया है और इतनी चीज़ें लगवाने के 8,000 रुपये ले लिए। अब फिर हुआ मैं, अब सुबह हो गई, शायद सुबह हो गया। आई होप 4 बज गई। सो गाइस 4:18, पता नहीं टाइम दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा, बट 4:18 हो गई। सो गाइस मैं उस टाइम मौसी को लेके आया, खाना खाया, फिर मैं व्लॉग एडिट करने लगा, फिर मैं देखा यार व्लॉग एडिट हो ही गई है तो सोएंगे अब। तो मेरे को पता नहीं था 4 बज गई। देख सकते हो गाइस मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। तो 4 बज गई अब, 4 बज गई। कोई बात नहीं, मेरे लिए नई बात नहीं है, आप लोगों के लिए नई बात होगी शायद तक, या नहीं होगी पता नहीं मुझे। मेरे को नींद बहुत आ रही है यार, मतलब देख सकते हो मेरी आंखों में कितनी नींद है। बाकी यार 3K सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो इस साल में प्लीज़ यार, प्लीज़ कहीं भी फैला दो वीडियो, व्हाट्सअप इंस्टा वगैरह हर जगह फैलाओ, बट 3K सब्सक्राइबर कंप्लीट करो प्लीज़ यार प्लीज़। तो इस व्लॉग को यही एंड कर रहे हैं। जो व्लॉग अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करना, कोई भी गलती हो तो कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, कभी भी ठान लिए बात हम होंगे कामयाब एक दिन।